आरआरआर को लेकर कल ऐसी खबर आई जिसे सुनने के बाद हर किसी को इस पर यकीन करना मुश्किल हो गया है। दरअसल कल आरआरआर फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन की पूरी रिपोर्ट दे दी गई है। इस आंकड़े को देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह गई हैं। ट्रिपल आर ने अपने पहले ही दिन 223 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली है। जी हाँ, पूरी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास के रिकॉर्ड तोड़ते हुए आरआरआर भारत की पहले दिन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। फिल्म क्रिटिक तरन आदर्श ने पहले दिन की कमाई के सारे आंकड़े भी शेयर कर दिए हैं। फिल्म ने पहले ही दिन आंध्र प्रदेश से 75 करोड़, हैदराबाद से 27.5 करोड़, कर्नाटक से 14.5 करोड़, तमिलनाडु से 10 करोड़, केरल से 4 करोड़ और पूरे उत्तर भारत से 25 करोड़ रुपए की कमाई की है। फिल्म ने अपने पहले ही दिन पूरे भारत से 156 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली है। वहीं यूएसए से 42 करोड़ और बाकी के सभी देशों से 25 करोड़ रुपए की कमाई की है। और अगर कुल मिलाकर बात करें तो फिल्म के पहले दिन की वर्ल्ड वाइड कमाई 223 करोड़ रुपए बैठती है। इस आंकड़े को देखकर पूरा बॉलीवुड पानी में बैठ गया है। एस राजामौली ने अपनी फिल्म बाहुबली 2 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। इससे पहले बाहुबली अपने पहले दिन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, जिसमें बाहुबली 2 ने 121 करोड़ रुपए की कमाई की थी। पहले ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये फिल्म अपने पहले दिन 50 से 60 करोड़ की कमाई करेगी। वहीं कुछ का तो कहना था कि ये फिल्म 20 करोड़ रुपए तक ही सीमित रह जाएगी, लेकिन जो आंकड़े अब सामने आए हैं उससे तो एस राजामौली भी दंग रह गए हैं। और अगर फिल्म ऐसी ही चलती रही तो बहुत जल्द ये फिल्म 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी पार कर देगी। लेकिन ये बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इस वक्त बॉलीवुड फिल्मों का जो हाल है वो आप सबके सामने ही है। खैर, आप आरआरआर को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करें, और ऐसी ही कुछ खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।